नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है और इसके लिए वह खास प्लान के तहत काम कर रही हैं। मायावती की इस रणनीति से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में सीधा इसका फायदा मिल सकता है और पार्टी एक बार फिर यूपी में फिर झंडे गाड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक बार फिर दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को साधने में जुट गई है। मायावती ने दलित और मुसलमान समाज को एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि दलित, आदिवासियों, पिछड़े, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कानूनी अधिकार दिलाए हैं। इन लोगों को भाईचारा पैदा कर केंद्र और राजनीति की सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस दौरान बसपा के पारंपरिक वोटर्स ने सपा के पक्ष में वोट किया था और पार्टी को इसका फायदा भी हुआ था। हालांकि अगर मायावती दलित वोटर्स के साथ मुस्लिम वोटर्स को साधने में कामयाब हो जाती हैं तो सपा को नुकसान और बीजेपी को जमकर फायदा हो सकता है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।